हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेस, ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर, जैसे कि पीछे पड़ चुके हैं, सेम उसी तरीके से इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेस भी यहां पर हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जैसे फर्स्ट है आपका इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों से इमेजेस फॉर्म्ड करने के जो रूल्स हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। इमेज कैसे बनेंगी, कहां पर बनेंगी और ऑब्जेक्ट को हम कहां पर प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट आपका पहला है कि ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आप देख रहे होंगे। बाकी इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। तो अब इससे हमने, जैसे ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, कहीं बहुत दूर है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब यहाँ से ये अगर जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती हैं। ये आपने रूल्स में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने देख बताए हैं, और अगर आप चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस, तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने रूल्स बताए हैं कि लाइट रे कैसे कहाँ पर वेंट होती हैं, कहाँ से ये रिफ्रैक्ट होती हैं। तो ये रूल्स थे, आप देखें तो देखिए। और आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पर लाइट रेज या तो अपीयर होंगे मीट होती हुई, या रियल में ही वो मीट होंगे, तो वहाँ पर ही इमेज फॉर्म्ड होती है। जैसे रिफ्रैक्शन के बाद इसमें ये, क्योंकि आपको पता है जो पैरेलल लाइट रे हैं प्रिंसिपल, और आप एक बात और, आप डायग्राम स्केल का यूज़ करिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एरो भी आपके, जैसे कि मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, कि एरो भी आपके सभी प्रॉपर प्लेसेस पर होना चाहिए, ठीक है। और एरो मस्ट है, ज़रूर होना चाहिए, कि लाइट रे इधर से आ रही है उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए एरो आप ज़रूर यूज़ करेंगे, नेसेसरी है, ठीक है। अच्छा, तो फिर जैसे ये पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जा रही हैं, और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब यहाँ पर इमेज बनेगी। यहाँ पर क्या होगी, इमेज होगी ये, और इमेज के हम नेचर, साइज, ये सब, और प्लेस, उसकी तीन चीज़ें, जैसे कि आप बताते हैं कि पीछे भी बताया था मिरर के केस में। अब लेंस के केस में भी तीन केसेस होंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी और उसका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, ठीक है। तो पहला है आपका, तो द इमेज फॉर्म्ड इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लीजिए, द इमेज फॉर्म्ड इज नंबर वन रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा केस आपका होगा, पहला हो गया कि इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। दूसरे में आपकी इसी में कहाँ पर होगी, उसकी प्लेस क्या होगी, एट द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस के दूसरी तरफ होगी। तीसरा है कि उसका नेचर क्या होगा या साइज क्या होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिमिनिश्ड। तो ये पॉइंट्स हर केस में आपको ये पॉइंट याद करने हैं, ये नोट करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कि इस केस में आपकी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड होगी, कहाँ पर होगी, तो एट द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस के फोकस पर होगी, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, वेरी 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 स्मॉल होगी, ठीक है। नोट डाउन दिस पॉइंट। सेकेंड केस, ठीक है, आप जैसे कि आपको मिरर में भी बताया था कि अलग अलग प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट को हम रख के देखेंगे। तो पहले आप यहाँ पर, इसमें आप इन्फिनिटी पर, देन आफ्टर 2f1 यहाँ पर, वहाँ सी था इसकी जगह पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, यहाँ पर 2f1 है और ये f1 है, बट आपकी डिस्टेंसेज ये भी आपकी सेम होती हैं। आप यहाँ ध्यान रखिए, O से f1 तक की डिस्टेंस, और f1 से f2 एंड O से f2 और f2 से, सारी डिस्टेंसेज सब एक दूसरे के इक्वल ही होना चाहिए, सारी इक्वल होना चाहिए। आप स्केल का यूज़ करिए
और ये डिस्टेंसेस सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी फिगर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती है, ठीक है। और ये लाइट रही, ये दिख रही है, ये मेरी थोड़ी स्लैंट है, बट आप इस स्केल से ऐसे ओ से पास होती हुई स्ट्रेट ड्रा करेंगे बिल्कुल सारी रेस, ठीक है। तो देन आफ्टर सेकेंड केस, तो आपने इन्फिनिटी पे देख लिया ऑब्जेक्ट को, पहले इन्फिनिटी पे रखा, आप धीरे धीरे हम लेंस के पास ला रहे हैं, पहले लेंस है तो पहले दूर ऑब्जेक्ट थी, काफ़ी दूर थी, ठीक है, ऐसे फिर पास ले आ रहे हैं, तो उसकी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F1 के बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब थोड़ा सा पीछे, 2F1 है ये, जस्ट सी मार्क क्या कह सकते हो, तो इसको थोड़ा इसके पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब इमेज कहाँ बनती है वो देखते हैं, ठीक है। आपने जैसे देख लिया है कहाँ पर है इमेज, तो लिखिए इमेज फॉर्म दिस, इमेज फॉर्म्ड इज, नंबर पहला पॉइंट है कि उसकी नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, आप देख रहे हैं इन्वर्टेड मतलब है आपके ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है और इमेज ऐसे बन रही है डाउन साइड में, उसका हेड नीचे हो गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड, मतलब हम इसको इन्वर्टेड कहेंगे जिसके ऑब्जेक्ट का रिवर्स हेड नीचे हो जाए, है ना, ऐसे है और इसकी इमेज में ये टिप नीचे हो जाएगा, तो इन्वर्स बोलेंगे उसको, तो इसकी नेचर हो गई रियल एंड इन्वर्टेड। आप लिखिए यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरे पॉइंट में ये सब पॉइंट याद रखने होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर आपको बताया था कहाँ उसकी नेचर और उसकी प्लेस कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड 2F, F1, F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। और तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या बताता है, साइज आपका, साइज तीसरा, तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, या फिर कह सकते हो डिमिनिश्ड, या फिर कह सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कंपेयर कर सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है ये ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, इमेज थोड़ी छोटी है उससे, तो आप ऐसे कंपेरिजन में भी लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट, नोट डाउन करिए और फिर हम आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जैसे कि देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट लाइज एट 2F, अब 2F मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे आपको बताया था यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F डिस्टेंस पर, 2F कह लो या 2F1, मतलब जस्ट फोकल लेंथ की डबल होती है ये डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ होती है O से F तक की डिस्टेंस, देन उसके बाद में F से F तक की डिस्टेंस, ये भी फोकल लेंथ के इक्वल होती है, और ये इसके O से लेके लेंस से लेके मतलब यहाँ तक की जो लेंस के पास से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो जस्ट फोकल लेंथ की डबल होती है, 2F होती है, दैट इज। तो अब हम इसमें देखिए, आपने देख लिया 2F ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F1 पर है, ठीक है, और लाइट रेस एक जो पैरेलल जा रही थी वो F2 से पास होके ये जा रही, ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही वो आपको पता है विदाउट रिफ्रैक्टेड, बिना रिफ्रैक्टेड, बिना डेविएशन, सीधे स्ट्रेट पास हो जाती है, तो देखिए ना स्ट्रेट जा रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, जस्ट बिलो द 2F2, तो इसकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर भी बनेगी, देख पा रहे होंगे आप, क्लियर इमेज है एकदम बढ़िया से बनाइएगा आप भी लोग। तो इमेज फॉर्म्ड इज, इसके अब नेचर और वो पॉइंट तीनों हम सीख लेते हैं, वो भी हर केस के याद रखिएगा, इमेज फॉर्म्ड इज, नंबर वन पहले नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो आपके हर केस में अभी तक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और सेकेंड पॉइंट कि उसके क्या बात करते हैं, हम साइज पोजीशन की बात करते हैं, कहाँ पर भी एट 2F, एट 2F2, F2, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ये भी लिख सकते हो, ये तो वैसे हर केस में उधर ही बन रही है, सिर्फ एक केस होगा जिधर बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और तीसरा पॉइंट
जो कि साइज बताता है या कंपेयर कर सकते हैं इमेज को, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होगी सेम में सेम। ठीक, तो देखिए जितनी बड़ी ये ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज होगी, और बट इन्वर्टेड होगी, जितना बड़ा मार्कर है इमेज भी इसकी उतनी बड़ी होगी बट इन्वर्टेड होगी। ठीक है, सेम साइज की होगी। तो नोट डाउन दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन टू F1 एंड F1। अब धीरे धीरे हम लेंस के करीब में आ रहे हैं, टू F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट, जैसे C और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर 2F1 है, तो 2F1 और F1 के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज देखिए कहाँ पे बन रही है, 2F1 के जस्ट 2F2 के आगे बन रही है। ठीक है, बियॉन्ड फॉरवर्ड साइड। अब क्या है कि देखिए आप यहाँ पर भाई आपको हर बार में लाइट रेज पैरेलल जानी है, फिर F2 से पास होनी है, फिर जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जानी है वो स्ट्रेट विदाउट रिफ्लेक्टेड पास होना है। तो इस तरीके से जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है। अब लिख लीजिए पॉइंट पहले, इमेज फॉर्म्ड इज नंबर 1 रियल एंड इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उसकी पोजीशन के बारे में, बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में है, तो हाँ फाउंड क्या होगी, बियॉन्ड 2F है ना, बियॉन्ड 2F ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, या हर बार में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, तो सेम साइज ऑफ द, नो सॉरी, इनलार्ज हो जाती है, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, एनलार्ज भी कह सकते हो, एनलार्ज 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 हो जाती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाती है। अब देख रहे हो फिगर से, ऑब्जेक्ट से बड़ी जो है वो बन जाती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हो जाती है। देखिए ना, ये यहाँ पर इतनी है और यहाँ ये देखिए मेरी फिंगर्स, देखिए यहाँ पर इतनी है और यहाँ देखिए बढ़ जाती है फिंगर्स की डिस्टेंस, तो इमेज, और बट रियल ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड इस लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम, मतलब मेरा कंक्लूजन यहाँ पर ये आया, एक चीज़ नोट कर ली कि जैसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस के ऑब्जेक्ट को पास ले जाते हैं तो उसका साइज, इमेज का साइज, उसके इमेज का साइज क्या होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, और इन्फिनिटी पर होने पर बहुत छोटी रहती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज, तो नोट डाउन दिस पॉइंट। चलिए देखिए फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस दैट इज F1, F1 फोकस पे ऑब्जेक्ट को जब रखा जाएगा तब क्या होगा, तो फिगर देखिए ये रहा, F1 फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ से जो पैरेलल ले गई, आफ्टर रिफ्रेक्शन पासेस थ्रू फोकस एंड द लाइट रे विच इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बोथ आर आफ्टर रिफ्रेक्शन बिकम्स पैरेलल, दोनों ही रिफ्रेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, तो क्या इमेजिन करिए कि कहीं पर मिलेंगी, मिलेंगी लेकिन इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी कोई पता नहीं है, मतलब कहाँ पर मिलेंगी, तो हम जो चीज़ अननोन है वो इन्फिनिटी पर, तो अब ऑब्जेक्ट इतनी सी है, वही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट, बट कहाँ है, फोकस पर है, तो उसकी इमेज आपको नहीं दिखाई देगी, जबकि वो इन्फ्लेटेड इतनी बड़ी दिखाई देगी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि उसे इमेज नहीं, तो वो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगी। तो हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड इज, लिख लो पॉइंट इज, बस एक ही रिक्वेस्ट है,
कि फिगर एकदम क्लियर कोशिश करिए सही बने, और बना के मुझे दिखाइए, सेंड करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो फिर आप बताइए, फिर मैं फिर से ड्रा करके ही दिखा दूँगा। नंबर वन, रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए ना कि ये रियल में ही कहीं इन्फिनिटी पर मिलेंगी, बट इमेज हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके डाउनवर्ड ऐसे ही बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगी, ठीक है, सेकंड, तो वो आपको पता ही है कहाँ पर होगी, एट इन्फिनिटी, फ्रॉम दैट एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी, उसके बाद में आप लिख लीजिए वेरी वेरी लार्ज, लिख लो चाहे अदर साइड ऑफ द लेंस, वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ी होगी। ठीक है, तीनों पॉइंट नोट करिए, और मैं लास्ट केस बचा हुआ वो आपको बता देते हैं, उसमें देखिए कुछ लास्ट वन ऑफ दिस इमेजेस फॉर्म्ड थ्रू दिस लेंस। ठीक है, इस लेंस से जो फॉर्म्ड होने वाले इमेजेस के केस थे, देर आर सिक्स टोटल केसेस, और दिस वन इज लास्ट। ठीक है, तो ये आपका सिक्स्थ पॉइंट हो जाएगा, इससे पहले फिफ्थ मैंने चेंज नहीं किया होगा, देख लीजिए ये फिफ्थ पॉइंट सिक्स्थ पॉइंट होगा, और ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ एफ वन और ओ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से देखिए जो लाइट रे ऐसे पैरेलल जा रही थी वो एफ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद में क्या होगा कि जो लाइट रे आप देख रहे हैं कि जो उसके हेड से और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो स्ट्रेट ही जा रही है, बट ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। अब आपने एक नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी थी, जो लाइट रेज कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर वो नॉन पैरेलल हैं, ठीक है, तो नॉन पैरेलल लाइन हैं, अगर उनको एक्सटेंड करें वो एक जिस तरफ का उनका एंगल ग्रेटर देन 180 होता है वो उस तरफ डाइवर्ज होती हैं, जिस तरफ लेस देन 180 होता है एंगल वो दोनों तरफ मीट हो जाती हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब ये दोनों इधर डाइवर्ज हो रही हैं, ऑब्वियसली दूर जा रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इनके अपोजिट साइड में ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, मिलती हुई दिखेंगी, अपीयर होगा ऐसा, बट ये रियल में इधर नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, रियल में तो इस तरफ जा रही हैं, बट अब क्या होगा कि ये अपीयर होंगी कि यहाँ कहीं पर ये इंटरसेक्ट होंगी, इसलिए इधर की आपकी लाइन ये डॉटेड मैंने बनाई है। अब क्या होगा कि ये डॉटेड लाइन है तो इमेज कैसी बनेगी, आप देख रहे हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये जो है अब यहाँ पर क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब कैसे लिख लीजिए, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड इज नंबर वन वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीस नंबर दो। इसके हम अगर नंबर दो प्लेसेस की बात करें तो आपको पता है कहाँ है, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ बन रही है, ठीक है, देख रहे हो, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज नहीं साइड है, सेम साइड, ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी लेंस, इन फ्रंट वैसे इसमें नहीं बोल सकते हो, इसलिए आप उधर ही लिखिए जिस तरफ ऑब्जेक्ट, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट उस तरफ बनेगी, और साइज देख रहे हैं वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा ये भी है,
वो तो वेरी वेरी लार्ज थी, इनफाइनाइट थी इन प्रीवियस केस, इसमें आपकी वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट। अब ये सिक्स केसेस आपके हो गए हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब आप कॉन्केव लेंस के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ दो केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें आपको दो ही केसेस में आपका सारा क्लियर हो जाएगा, और सिर्फ दो केसेस पर, दो जगह पर हम ऑब्जेक्ट को रख के चेक करेंगे और सब क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन दिस पॉइंट्स। चलिए देखिए, ये आपका रहा कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस में क्या, ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी। पहला केस वही है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर अगर है ऑब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे कि अगर पता है कि आपको ये पैरेलल लाइट रेज, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है, बिकॉज दिट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस है, और तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगे, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्ज होंगी तो ये आपको, ठीक है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो उस तरफ से ये फोकस से आती हुई अपीयर होंगी। तो रियल में हम कह सकते हैं कि ये, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर आके दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वर्चुअल में, इमेजिन करेंगे कि ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी वर्चुअल में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, तो यहीं पर इमेज बनेगी। अब बात रही है कि इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज, पहला क्या नेचर क्या होगा, आपको दिख ही रहा है ये वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है, क्योंकि ये वर्चुअल में रियल में नहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं, रियल में नहीं मिल रही हैं, वर्चुअल हैं। तो पहला हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको इस लेंस से सभी इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेंगी, और उस वाले कॉन्वेक्स लेंस में आपको सिर्फ एक केस था, ऑब्जेक्ट को जब हम बहुत करीब मिरर लेंस के लिए आए थे तब इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट लास्ट केस में, बट इसमें सभी केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, वहाँ पर आपको याद रखना है दोनों को। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगी, एट फोकस, ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, एट फोकस्ड होगी, है ना, एट फोकस, फोकस बस F1 लिखना चाहो लिख दो, वैसे मैंने लिखा नहीं इसमें किसी में। तो तीसरा आपकी साइज़ की बात करेंगे, तो साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, हाईली का मतलब वेरी वेरी, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड हो गए, तीनों पॉइंट हो गए, नोट करिए। और लास्ट केस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, बस ऑल द केसेस समराइज इन दिस पिक्चर। तो इसमें सभी केसेस जो हैं वो समराइज हैं, देखिए समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट में हेडिंग में देखिए कि पहला था कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इसमें आपका है ऑब्जेक्ट लाइंग एनी वेयर बिटवीन इन ओ एंड इन्फिनिटी, ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी, बट इन्फिनिटी पर ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या होगा कि इमेज कहाँ पर होगी, और हर केस में तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ये पैरेलल लाइट रे यहाँ से जा रही थी और ये डाइवर्ज हुई, आफ्टर डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस से ये आपकी यहाँ से स्ट्रेट लाइन होना, यहाँ तक डॉटेड होना चाहिए ये सॉलिड, बट ये जो डॉटेड लाइन है इसके स्ट्रेट होना चाहिए, और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो स्ट्रेट, वो भी विदाउट डेविएशन निकल जाएगी, ठीक है। तो अब देखें तो कि दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट होंगी, यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, तो इमेज मैंने बना दी, बट हर केस में आपको F, क्योंकि जो भी लाइट रेज F1 से, ठीक है, कमी आप मतलब आती हुई दिखेगी F1 से, तो ऑब्वियसली वो F और ये दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होगी, वो हो सकता है यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे करे, इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी, तो F1 और O के बीच में ही इमेज हमेशा रहेगी, ठीक है। तो उसकी हम, पहला हो गया आपका, देखिए इमेज फॉर्म्ड इज, पहला कहाँ पर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पहले तो वर्चुअल है,
इसमें ये है आपको याद रखना है कि इसमें हर केस में वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब दो ही केस हैं आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा पॉइंट है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और फिर उसके बाद में आपको क्या बताना है कि उसकी पोजीशन कहाँ है। ऑलवेज लाइज्ड बिटवीन पोजीशन बिटवीन ओ एंड एफ, है ना, बिटवीन बिटवीन ओ एंड एफ। और तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा वही आपका क्या होता है, साइज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब हम कह सकते हैं कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हर केस में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी, स्मॉलर देन उसमें वेरी करती थी ऑब्जेक्ट, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आप पॉइंट याद कर लीजिए, बस इसमें जो ये तीन पॉइंट हर केस में आ रहे हैं वो नेचर और पोजीशन और साइज़, नेचर पोजीशन और साइज़, ये आपको मिरर के भी और लेंस के भी आपको याद होने चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नोट करिए पॉइंट, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए करिएगा। ठीक है, जो भी आपको मिल रहे हैं, और दो क्वेश्चन ये होमवर्क करने के साथ साथ आप इतना ये भी जान लीजिए कि आपका बचा हुआ क्या है, कि लेंस फॉर्मूला बचा है, मैग्नीफिकेशन बचा है, तो ये तो भी दो एक टॉपिक बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो उसमें से मैं पढ़ा तो पूरा दूंगा, बट आपको मैं बताता रहूँगा कि क्या इसमें नहीं पढ़ना है, तो पढ़ाऊँगा तो पूरा सिलेबस, बट आप ये जान लीजिए कि आपको क्या डिलीट कर, पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, बस उन्हें याद नहीं करना है, उनको नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।